हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अंडे आलू की सब्ज़ी की। अंडे आलू की सब्ज़ी आप लोग घर पे बनाते होंगे, एक बार मेरे तरीके से बना के देखना। यहाँ पे मैंने 8 अंडा ले लिया, उसको अच्छे से उबाल लिया और अब चलते हैं इसको इस तरह से कर लेंगे। आप अगर चाकू से करना चाहते हो चाकू से भी कर सकते हो, ताकि अंडे की छींटे हमारे मुँह पर ना पड़े। एक एक करके हम इस तरह से कर लेंगे। और अब चलते हैं अंडों में, हम पहले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे। तेल से क्या होता है, सारे मसाले अंडों में चिपक जाते हैं। और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम एक जार लेंगे, जार में हमने यहाँ पे 2 प्याज, 4 हरी मिर्च काट के ले लिया और इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब चलते हैं, अब हम एक बॉल लेंगे। बॉल में हम डालेंगे 3 चम्मच दही। दही में हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे हमने एक पैन लिया, 1 बड़ा चम्मच ऑयल उसमें डाल दिया। अब हम अंडों को उसमें फ्राई कर लेंगे। कक करके सारे अंडों को हम डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और थोड़ा दूर हटके रहेंगे, ताकि अंडों की छींटे हमारे मुंह पे नहीं पड़े। देखिए हमारे अंडे हो गए फ्राई। अब हम इसको निकाल लेंगे और उसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल और डालेंगे। ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। इससे क्या ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो जाती है। और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने प्याज और हरी मिर्च पीस के रखे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे और तब हम इसमें डालेंगे वो दही जो हमने फेट के रखे थे मसालों के साथ, वो हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे। गैस को पहले लो कर लेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। अगर फुल फ्लेम पे डालेंगे तो पूरी दही हमारी फट जाएगी। और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ग्रेवी हमारी थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी हो गई रेडी, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वो अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। सारे अंडों को हम इसमें कट करके डाल देंगे। और हमने 4 आलू उबाल लिया है, उसको काट के ले लिया है। और आलू अंडे को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट एकदम लाजवाब हो जाता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे अंडे आलू की सब्ज़ी कितनी कलरफुल हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर भी करिए हमारी रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।